हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम इरफान असलम। आज की हम इस वीडियो के अंदर कंसोनेंट एच को लिखना सीखेंगे। कंसोनेंट एच को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास डाउनवर्ड एच, दूसरा है हमारे पास अपवर्ड एच। डाउनवर्ड एच को लिखने के लिए हम कुछ इस तरह के आउटलाइन बनाते हैं, सर्कल के साथ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अपवर्ड के लिए हम सर्कल के साथ अपवर्ड की तरफ जो लाइन है वो एक ड्रॉ करते हैं। ये बुक के ऊपर भी मेंशन है, आपको देख सकते हैं कि एच को किस तरह लिखा हुआ है। ये मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ कि आपने इस तरह एक छोटा सा सर्कल बनाना है, सर्कल के साथ आपने इस तरह एक नीचे लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह नीचे से सर्कल बनाना है और इस तरह ऊपर को एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास होगा डाउनवर्ड एच, ये हमारे पास होगा अपवर्ड एच। तो एच को इस तरह आपने पहले लिखना सीखना है। एच को आप इस तरह बार बार लिखें, ये देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, इस तरह हर एक स्ट्रोक की प्रैक्टिस किया करें, बार बार एक स्ट्रोक को लिखा करें। इसके ऊपर आपने जो है ग्रिप लेकर आनी है, इसको फिंगर टिप्स के ऊपर लेकर आना है, इसका रट्टा लगाना है। जो भी आप काम इसको करना चाहें आप इसके साथ करें, लेकिन यह है कि एच लिखना जो है आपको कभी भूले नहीं। देख लें इस तरह, ये मैं आपको डाउन अपवर्ड एच लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपने इस तरह एक एक ही साइज़ के एच लिखना है, एक नॉर्मल साइज़ जो है वो आपने बनाना है, ना ज़्यादा छोटा हो साइज़ ना ज़्यादा बड़ा हो। तो ये इस तरह कुछ हम एच लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाउनवर्ड एच कब लिखेंगे और अपवर्ड एच कब लिखेंगे। तो ये हम इसके रूल देख लेते हैं। रूल नंबर ए है कि व्हेन एच इज़ द ओनली कंसोनेंट स्ट्रोक और इज़ फॉलोड बाय के और गे, यूज़ द डाउनवर्ड फॉर्म। कहते हैं जब एच आपके पास अकेली स्ट्रोक हो तब आपने डाउनवर्ड एच लिखना है, या फिर अगर एच के बाद के और गे आ रहा हो तो तब भी आपने डाउनवर्ड एच लिखना है। जैसे कि ही में सबसे पहले तो देखें वावल कौन सा है, इसमें लॉन्ग ई है। लॉन्ग ई के लिए हम थ्रू द लाइन स्ट्रोक लिखते हैं, इसलिए हम एच को थ्रू द लाइन लिखेंगे और लॉन्ग ई लगा देंगे। आपने यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, इस तरह बड़ी स्ट्रोक नहीं लिखनी, आपने लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपने स्टार्ट करना है और इस तरह थ्रू द लाइन लेकर आ जाना। ये आपके पास बन जाएगा ही। इस तरह हे, एच के साथ लॉन्ग वावल ए और सेकेंड प्लेस स्ट्रोक है, वावल है इसलिए स्ट्रोक ऑन द लाइन आ जाएगी। इस तरह वर्ड है हेक, हेक में भी लॉन्ग ए है, लॉन्ग ए सेकंड प्लेस वावल है, स्ट्रोक ऑन द लाइन आएगी, साथ में के ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा हेक। और इस तरह हेग, ये हमारे पास बन गया हेग। ये थे रूल डाउनवर्ड एच के। और उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं डाउनवर्ड एच लिखने के लिए कि ये जब इस तरह के स्पेशल वर्ड्स आ जाएँ, हाईली, हायर, हाईवे, हेरिक, तब आपने डाउनवर्ड एच ही लिखना है। जैसे हाईली, ये इस तरह आप लिखेंगे, इस तरह हायर एच के साथ आर लगा देंगे, आपके पास हायर बन गया। इस तरह हाईवे, ये हाईवे, और इस तरह हेरिक, ठीक है। ये लॉन्ग वावल ए है स्टार्ट में, इसलिए इसको हमने ऑन द लाइन लिखा है। तो ये थे हमारे डाउनवर्ड एच लिखने के रूल्स। बाकी सब जो हैं वो अपवर्ड आर के हैं, ज़्यादा रूल नहीं है, चार हैं सारे पॉइंट्स। तो बहुत आसान है, आसान तब बनता है जब आप एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं, एक एक वर्ड को लेकर चलते हैं। जब आप यहाँ से यहाँ छलांग लगा देंगे तो फिर मैं तो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको एच कंसोनेंट आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपवर्ड एच कब लिखना है। अपवर्ड एच आपने जब एच को किसी दूसरे वर्ड के साथ आपने ज्वाइन करना है तब आपने अपवर्ड एच लिखना है, इन वर्ड्स के अलावा। जैसे हेक, हेग, हाईली, हायर, हाईवे और हेरिक, अगर ये छः वर्ड्स आपके पास आ जाते हैं तब आप इनके लिए एच डाउनवर्ड लिखेंगे। लेकिन उसके बाद आप अगर आपने एच को किसी दूसरे वर्ड के साथ ज्वाइन करना है तो आपने अपवर्ड एच लिखना है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है, यूज़ द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज ज्वाइंड टू अदर कंसोनेंट्स। जब किसी और कंसोनेंट के साथ एच को हम ज्वाइन करेंगे तब हम एच अपवर्ड लिखेंगे। जैसे वर्ड है हमारे पास हैप्पी, हैप्पी शॉर्ट ए है स्टार्ट में, इसलिए अबव द लाइन आएगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवल है। होप, होप में लॉन्ग ओ है, लॉन्ग ओ सेकंड प्लेस वॉवल है, सेकंड प्लेस वॉवल के लिए हम ऑन द लाइन स्टॉप लिखते हैं, ये बन जाएगा होप। इस तरह हेड, वॉवल की पहचान आपने खुद करनी है, वर्ड को देख के आपने खुद पहचान करनी है कौन से वावल आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है। इस तरह होटल, होटल में लॉन्ग ओ है तो इसलिए हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे। इस तरह हैंग, हैंग में शॉर्ट ए, अबव द लाइन आ जाएगी। ह्यूज में डिफ्थोंग यू, तो इसलिए इसके साथ यू लगा देंगे, थ्रू द लाइन आ जाएगी। हरी, हरी में शॉर्ट यू है इसलिए शॉर्ट यू लग जाएगा, लास्ट में वावल लग जाएगा, वाई वाली डॉट लग जाएगी। तो इसके बाद जो रूल है वो है कि द वर्ड होप इज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी टू फॉर्म द फ्रेजेज। कहते हैं जो वर्ड होप है हमारे पास उसको हम ओनली पी लिखेंगे फ्रेज बनाने के लिए। किस तरह का फ्रेज बनाने के लिए, जैसे नीचे लिखे हुए हैं आई होप। कहता है जी आप आई के साथ जब पी ड्रॉ कर दें तो ये होप को शो करेगी, आई के साथ पी ड्रॉ कर दें तो होप को शो करेगी। इस तरह आई होप, आई होप यू विल, आई होप यू आर,
ठीक है। इस तरह वी होप, अब वी के साथ भी कहता पी लगा दें तो क्या बन जाएगा, होप, वी होप, वी होप, ठीक है। इस तरह वी होप यू विल, वी होप यू आर, वी होप यू विल, वी होप यू आर, ठीक है। आपने एक एक वर्ड को प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। नेक्स्ट है जी डी, द वर्ड ही इज़ रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ए फ्रेज बाई द शॉर्ट फॉर्म दिस वन डैश। ये जो हम बट लिखते हैं लाइट सा, इसको अगर हम हैवी लिखेंगे तो ये हमारे पास ही को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये ही को तब रिप्रेजेंट करेगा जब ये वर्ड के मिडल में होगा या किसी वर्ड के लास्ट पे होगा। अगर ही किसी वर्ड के स्टार्ट पे आएगा तब आपने एच पूरा लिखना है, या अकेला ही आ रहा हो तो तब आपने एच पूरा लिखना है। जैसे कि हमारे पास वर्ड है इफ़ ही, इफ़ ही, छोटी सी डैश लगा देंगे, ये बाकी किसको शो करेगा, ही को, इफ़ ही शुड, इफ़ ही शुड, ठीक है। इस तरह ही, बट ही विल, जैसे उन्होंने बोल दिया बट ही विल, कहते जी, लेकिन अगर ही विल आ जाए, जैसे कि ही अब स्टार्ट में है तो उसके लिए आप ही डाउन लिखेंगे पूरा एच के साथ और एल को ऊपर खेद देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ही विल। तो ये था हमारे पास आज एच। तो ये बहुत ही सिंपल से, आसान से और बिल्कुल थोड़े से रूल हैं एच के, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, एक एक वर्ड को लेकर चलना है। पहले आपने, सबसे पहले आपने एच को लिखना सीखना है, डाउनवर्ड एच भी और अपवर्ड एच भी, फिर आपने ये पहली लाइन को पकड़ना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर लास्ट, इस तरह आपने करते करते सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने आ जाना एक्सरसाइज नंबर 22 पे और एक्सरसाइज नंबर 23 पे, जो कि एच से रिलेटेड है। इसमें ये होगा कि आपने पहले एक्सरसाइज को यहाँ से शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक एक लाइन को पकड़ना है और आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि वर्ड है आई हैव मैनी ए हैप्पी मेमोरी ऑफ द टाइम ऑफ माय यूथ ऑन द फार्म, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। पहला वर्ड आई हैव, सबसे पहले तो हमें आई हैव लिखना आना चाहिए, ठीक है। आई हैव की इस तरह बार बार प्रैक्टिस करें, 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा लिखें, 30 दफ़ा लिखें, 100 दफ़ा लिखें, 1000 दफ़ा लिखना पड़े तो लिखें, जब तक ये आपके, आपको रट नहीं जाता, इस तरह खूबसूरत आई हैव नहीं आपसे बनता, तब तक आप जो है इसको लिखते रहें। इस तरह नेक्स्ट वर्ड फिर पकड़ें, मैनी, 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 मैनी को लिखना सीखें, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपने एक वर्ड को लिखना होता है, एक वर्ड को लिखकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए हैप्पी, 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 मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। इस तरह एक एक वर्ड को लिखें, बार बार लिखें, 50 दफ़ा लिखें, 60 दफ़ा लिखें, 100 दफ़ा लिखें, 10 दफ़ा लिखें, जितनी दफ़ा मर्जी आप लिखें। इस तरह आपने पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के बाद आपका काम ये होगा कि आपने एक्सरसाइज को करना है रिकॉर्ड, जिस तरह मैं अपनी वीडियो में डिक्टेशन लगा देता हूँ, आपने रिकॉर्डिंग करनी है अपनी स्पीड के हिसाब से, फिर उसको आपने सुनना है और आपने डिक्टेशन कम अज़ कम 10 दफ़ा लिखनी है। पर इस तरह आपने एक्सरसाइज नंबर 23 को भी रिकॉर्ड करना है, कोई भी एक भी एक्सरसाइज आपने मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, एक एक एक्सरसाइज का एक एक वर्ड आपने लिखना है, एक एक वर्ड को आपने सीखना है, एक एक वर्ड को आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड का मेन जो काम है वो लिखने वाला है। जिसको जितना ज़्यादा लिखना आएगा और जितना आसानी से लिखना आएगा उतनी ज़्यादा उसको शॉर्ट हैंड आएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, कांड इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एस सर्कल। एस सर्कल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।